दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नहीं है, ये एक बात है, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि आज जो लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कभी ना बनेंगे भाई भाई, तो आज इन लोगों के लिए मेरी एक अपील है और एक चैलेंज है कि आज आप दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे जाओ, सिंधु बॉर्डर पे जाओ और ना जाने कितने बॉर्डर पे जाओ, वहाँ जाके देखो आज जो हमारे किसान भाइयों को जो लंगर दे रहे हैं उनका नाम मोहम्मद भी है, उनका नाम राम भी है, उनका नाम जसविंदर भी है और उनका नाम मार्टिन भी है। तो ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये सिख है, ना ईसाई है, ये है सब भाई। और भाई क्योंकि भूख जिसे लगी होती है उस इंसान का कोई धर्म नहीं होता, उसको खिलाना सबसे बड़ी इंसानियत होती है और सबसे बड़ा धर्म होता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब कहा करते थे, जो गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू करा था और जो हमारे राम जी है वो लोगों की सेवा करते थे। तो इस तरह सारे धर्म एक है। आज इस बात को साबित इन बॉर्डर पे खड़े हुए इंसान के जो बंदे हैं या फरिश्ते कह लो, या मैं तो इनको कहूँगा कि ये बहुत बड़े इंसान हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें दिखा रहे बिना मतलब के। आज किसान जब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं इतनी ठंड में, तो वहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई है वो वहाँ पे खाना उनको खिला रहे बिना किसी मतलब के लिए, और जो मुसलमान भाई भी यहाँ पे क्या कहते प्रोटेस्ट में आए हैं उनको भी हमारे सिख भाई खिला रहे हैं और हमारे हिंदू भाई खिला रहे हैं, तो सब मिलके खिला रहे हैं। बस ये तो नेताओं ने हम सबको अपनी राजनीति और गंदी राजनीति और अपनी वोट बैंक के लिए हम लोगों को लड़ाया हुआ है, नहीं तो आज उन बॉर्डर पे जाके क्या वहाँ पर तो सब हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई भी सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ गई थी वो। आज जो मीडिया दिखाती थी कि यहाँ पर जातिवाद है, यहाँ पर इस तरह के लेके हिंसा, आज वो ये सब कुछ नहीं दिखाई दी, वो सिर्फ अपनी सरकार के पक्ष में क्योंकि उनसे बिकी हुई है वो दिखाई, कोई आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूनिटी नहीं दिखाएगा, सिर्फ यही दिखाएगा कि किसान वहाँ बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कानून ये वो बस। तो आप अपने आप को, अगर आपको आप दिल्ली में रहते हैं गाजियाबाद यूपी के आसपास रहते हैं, तो खुद जाके देखो कि वहाँ पर किस तरह लोग एकता के साथ और अपनी यूनिटी के साथ बिना किसी धर्म भेदभाव जातिवाद के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और मैं जाते जाते ये बोलूँगा कि ये भारत है और इस भारत के अंदर सब लोगों को रहने का अधिकार है, और मैं जाते जाते हर किसी के लिए बोलूँगा कि गुरु नानक देव जी का भी ये जो यहाँ पे इनके लोग रहते हैं उनके लिए भी है, और यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं उनके लिए भी है, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हिंदू के लिए, तो ये सब के लिए, इसलिए किसी भी भ्रम में मत रहो, सब मिलके रहो, और यही मेरा मोटिव है।